हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो देख लीजिए, मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। चलिए मैं आपको इसका पूरा साइज़ दिखा देती हूँ। तो मैंने ब्लाउज की साइज देखी, 13.5 इंच रखा है। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए हम गले की मार्किंग कर लेते हैं और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे हम मार्क करेंगे। तो देख लीजिए वीडियो में। अब जितने मैंने मार्क किए इनको एक स्ट्रेट लाइन से बराबर कर देंगे। गले का लेंथ का साइज लेंगे, तो मैं 10.5 इंच गले का लेंथ रख रही हूँ, यहाँ से मार्क कर देते हैं। अब बराबर कर देंगे गले का डिज़ाइन। देखिए मैं वी नेक में पूरा मार्किंग की हूँ और 1 इंच जो है इस पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो 1 इंच में 2 पॉइंट कम कर दीजिएगा, उतने पे हम मार्क कर देते हैं पूरा, कि 2 पॉइंट में हमारा स्टिचिंग में आ जाएगा। ये देख लीजिए मैंने मार्किंग की है, इसको मैं बराबर कर दी हूँ पूरा। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अब जो मैंने ये मार्किंग की थी दूसरी वाली, इसकी भी कटिंग मैं देखी कर रही हूँ। ये पट्टी रख देंगे, इससे हम भी डिज़ाइन बनाएंगे। अब मैं ब्लाउज ले लेती हूँ। ब्लाउज का कपड़ा सेम बिल्कुल बराबर रख दीजिएगा और ऐसे ही गला कट कर देंगे। अब दोनों की स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर में रख लीजिएगा और इसके बाद हम गले को स्टिच कर देते हैं। तो बिल्कुल बराबर करते हुए गले को स्टिच कर लीजिएगा, जैसे मैं करके आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए मैंने गले को स्टिच कर दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इस पर कट्स लगा दिए हैं। हम इसको उलट कर सीधा कर लेते हैं। अब एक सिलाई लगा के पूरा हम स्टिच कर देते हैं। मैंने गले को देखिए कंप्लीटली स्टिच कर दिया है। अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दी है। अब मुझे डिज़ाइन बनाना है इसमें, तो मैं बीच का जो डिज़ाइन बनाना है उसको बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने जो पट्टी कट करके निकाली थी अस्तर की, वो ले ली है। ये मैंने पेपर ले लिया है, तो आप न्यूज़पेपर इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसको बराबर बिल्कुल करके हम दोनों साइड से मार्क कर देते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से मार्किंग कर दी है। वहीं से जो सामने के साइड की मार्किंग, बिल्कुल वहीं से कट कीजिएगा और पीछे के साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि हमें जो 1 इंच में सिलाई करनी है। तो मैंने देखिए कटिंग कर दी है। अब मैंने ये पट्टी ली है, इसको मैं डबल फोल्ड करते हुए थोड़ी सी चौड़ी पट्टी स्टिच कर देती हूँ। तो देख लीजिए मैंने पट्टी को स्टिच कर दिया है पूरा। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देते हैं पट्टी को। तो नीडल की सहायता से देखिए मैं स्टिच की हूँ जो पट्टी, इसको उलट कर सीधा कर लेती हूँ। ये पट्टी देखिए थोड़ी सी चौड़ी में आई हुई है। इसके दोनों साइड से हम सिलाई लगाते हुए स्टिच कर देते हैं। तो वीडियो में आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से जैसे मैं बना रही हूँ। तो मेरी पट्टी देखिए पूरा स्टिच हो चुकी है। अब इसको हम कट्स कर लेंगे और मैं डिज़ाइन जो बनाऊंगी उसके लिए मैंने भी जो पेपर कट किया था इससे हम साइज़ ले लेते हैं, कितना हमारा चौड़ा जो है डिज़ाइन बनाना है। इसी तरीके से आप भी साइज़ कर लीजिएगा, बिल्कुल बराबर में आप कटिंग कीजिएगा। देखिए एक ही बराबर में मैं सब पट्टियों को फोल्ड कर ली हूँ। अब इसको हम कट करके अलग अलग पार्ट में कर देंगे। ये देख लीजिए मैंने पूरा अलग अलग पार्ट में बहुत सारी पट्टियाँ कट कर ली। जितना मुझे डिज़ाइन में मेरे लगेंगी पट्टियाँ उतना आप ले लीजिएगा। अब इसको मैं स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। तो वीडियो में आप देखते रहिए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ इसको। ऐसे आपको भी करना है जैसे मैं स्टिच करके आपको दिखा रही हूँ। एक साइड से देखिए मैंने कम्प्लीटली स्टिच करके पूरे डिज़ाइन को स्टिच कर दिया है।
अब दूसरे साइड से भी बिल्कुल बराबर में जैसे मैं स्टिच करें ऐसे आपको भी करना है। ये देख लीजिए ये स्टिच हो चुका है दोनों साइड से कम्प्लीटली। अब मुझे गले के साइड से पाइपन करना है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये पट्टी कट की, इसको मैंने क्रॉस कटिंग की है। ये स्ट्रेचबल है, इसको मैं डबल फोल्ड करके साइड में देखिए सिलाई लगा रही हूँ। आप भी ऐसे सिलाई लगा लीजिएगा, पट्टी कंप्लीट है। अब मैं जो डिज़ाइन बनाई थी उसके जो है साइड में हम गले के साइड से पाइपन कर देते हैं। तो पहले हम स्टिच करेंगे, तो मैं कैसे स्टिच करें और किस साइड से स्टिच करें आप वीडियो में बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। आपको भी इसी साइड से स्टिच करके पाइपन बनानी है, और ये जो पाइपन रहेगी थोड़ी सी आप चौड़ी बनाइएगा पाइपन, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। पतली पाइपन नहीं बनेगी इस डिज़ाइन में। जैसे मैं बना रही हूँ वीडियो में ऐसे सेम आप भी बना लीजिएगा। और ये मेरे कॉर्नर साइड है, ये पट जो पाइपन में बनाई ऑलरेडी ये कॉर्नर में आ जाएगा डिज़ाइन में। ये देख लीजिए मैंने पूरा पाइपन कम्प्लीटली बना दिया है गले पे, तो आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं ब्लाउज का कपड़ा ली हूँ, इसको भी बराबर करके स्टिच कर देंगे। अब अच्छे तरीके से बिल्कुल बराबर में करते हुए पूरा अच्छे से स्टिच कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ स्टिच करके। तो मैंने कम्प्लीटली देखिए ब्लाउज के साथ में इसको जॉइंट कर दिया है। अब इस पर लेस लगाएंगे, तो मैंने लेस लिया है, दोनों साइड से हम लेस स्टिच करेंगे। तो देख लीजिए मैं कैसे लेस स्टिच कर रही हूँ, ऐसे आपको भी डिज़ाइन पर लेस को स्टिच करना है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। तो अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देख लीजिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ, तो एक साइड से मैंने स्टिच कर दिया, इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी स्टिच कर देंगे पूरा। ये देखिए मैंने नीचे के साइड से पूरा लैस अच्छे तरीके से लगा के स्टिच कर दिया है। अब मैं पाइपन के पास से बिल्कुल लेस इसको लगाऊंगी, तो मैं कैसे लगा रही हूँ आप देख लीजिए वीडियो में, क्योंकि हमारा जो है इस पर पाइपन के पास से कपड़ा थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन का, बस इसको मैं कैसे लगा रही हूँ ऐसे आप भी लगा लीजिएगा। थोड़ा सा पाइपन पे लेस रखते हुए स्टिच कीजिएगा जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ। अब दूसरे साइड से भी हम लेस स्टिच कर लेते हैं। ये देख लीजिए मैंने दोनों साइड से लैस को कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है, और ये डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत ही इजी है डिज़ाइन। अब नीचे के साइड से जो मैंने पेपर लगाया था उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर दीजिएगा, जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा। ये देख लीजिए कि पूरा अच्छे तरीके से मैंने रिमूव कर दिया है, डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत ही हार्ड वर्क करके ये डिज़ाइन बनाती हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और फिर फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस को आप परचेज करना चाहते हैं इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।